हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको तीन वॉचेस दिखा रहा हूँ एंड तीनों वॉचेस ही ब्लैक वॉचेस हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहली बात कॉमन ये है कि तीनों ही वॉचेस अंडर रुपीज 900 आपको मिल जाएंगी। ये है पीटर इंग्लैंड, मुझे इस ब्रांड से आपको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। दो वॉचेस ब्लैक पीटर इंग्लैंड की है एंड यहाँ पे WROGN एक ये ब्रांड भी है जो फ्लिपकार्ट काफ़ी चलती है एंड इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं एंड मैं इसके डिज़ाइन से काफ़ी अट्रैक्टेड था। बट वही बात है कि पीटर इंग्लैंड की एक अपनी जो ब्रांड ट्रस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा है। और तीनों वॉचेस की कीमत अंडर रुपीज 900 है। मैंने ऊपर डाल दी है कि एग्जैक्टली कितनी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, कुछ चेकआउट करना आप कर लेना। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं दिखाता हूँ वॉचेस। ब्लैक वॉचेज हैं फॉर्मल आउटफिट्स के लिए एंड मैंने अपने लिए ये तीनों ही मंगाई थी बिकॉज मेरे को काफ़ी पसंद आई थी। सबसे पहली वॉच, दिस इज़ द वन, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक तीन स्ट्रैप्स मिलते हैं, दो स्ट्रिप्स मिलते हैं यहाँ पे आपको। थोड़ी सी कूल वॉच है, स्मार्ट वॉच है, अच्छी लगती है पहने हुई। यहाँ पे जो डायल है वो आपका पूरा सिल्वर कलर का है। मैं आपको इसको पूरा ढंग से एक बार दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द वॉच ब्रदर एंड यहाँ पे आपको जो स्ट्रैप मिलता है वो लेदर का मिलता है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ पसंद नहीं आई, दैट इज़ कि यहाँ पे ये स्टिचिंग, ये वाइड स्टिचिंग थोड़ी सी मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगी। बाकी बात करें क्वालिटी की तो भाई क्वालिटी इज़ वेरी डिसेंट। यहाँ पे आपको मिलता है पीटर इंग्लैंड की ब्रांडिंग एंड मैं आपको एक बार इसको प्रॉपर खोल के दिखा देता हूँ। दिस इज़ द वॉच आई होप, और मैं इसके ऊपर जो फिल्म लगी है वो भी पहले निकाल दूँ, तभी वो शाइन आती है और इसको निकालने में बहुत मज़ा आता है। सो दिस इज़ द वॉच, यहाँ ब्रांडिंग है, डायल्स एक ग्रीन है एंड जो इसका आर हैंड है वो बेसिकली ग्रीन कलर का है एंड मिनट हैंड जो है वो ब्लू कलर का है। यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है बट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन उन्होंने रखा हुआ है, बिल्कुल स्मूथ एंड मुझे वॉच काफ़ी सही लगी। और यहाँ पे अगेन ब्रांडिंग, प्योर लेदर, जेन्युइन लेदर स्ट्रैप है एंड क्वालिटी अच्छी है। बट यहाँ पे ये वाइट स्टिचिंग थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, आपको कैसी लगी आप बताना कमेंट सेक्शन में। सेकेंड वॉच को देखते हैं कैसी है, वो है WROGN की, इसकी नहीं, पहले खोलते हैं इसको अगेन। सो दिस इज़ द वॉच और मैं आपको एक बार प्रॉपर इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अंदर हल्का सा जो है ना, आपको पहले फिल्म निकालते हैं। यहाँ पे अंदर ब्लैक टेक्सचर नहीं है पूरे, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा एक ब्रॉन्ज टेक्सचर है जो मुझे अच्छा लगा। ब्लैक होता तो थोड़ी सी और लुक इसकी अपनी आती, बट ये भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। बाकी पूरी बॉडी इसकी ब्लैक है। लेट मी इसको पहले बस निकाल दूँ और आपको फिर दिखाता हूँ अच्छे से। सो दिस इज़ द वॉच, ये पूरी ब्लैक है, यहाँ पे कुछ सिल्वर नहीं है। जो यहाँ पे मिनट एंड आर हैंड है वो इस तरीके से है एंड यहाँ अगेन आपको ब्रांडिंग मिलती है पीटर इंग्लैंड की, स्मॉल लेबलिंग एंड यहाँ पे इनका सिग्नेचर जो कलर है ग्रीन एंड रेड। सो दिस इज़ द वॉच, मैं एक बार आपको इसको भी प्रॉपर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लेदर है वो बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली जो आपकी इस वॉच में है। सो आप दोनों वॉचेस को साइड बाय साइड रख के देख सकते हो और आप बताना कि आपको कौन सी पसंद आई। इसका डायल थोड़ा सा बड़ा है, इसका डायल थोड़ा सा छोटा है इसी कंपैरिजन में। अगर मैं दोनों को साथ रखता हूँ तो आप देख सकते हो ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से थोड़ी सी फॉर्मल ज़्यादा लग रही है वॉच। ये भी फॉर्मल लग रही है और अच्छी लुक दे रही है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद आती है। मुझे इसमें थोड़ा सा ये लगा कि मुझे थोड़ी सोबर ज़्यादा लगी, यहाँ पे कोई स्टिचिंग नहीं मिलती है। लेदर क्वालिटी बिल्कुल सेम है, अगेन जेन्युइन लेदर है, क्वालिटी वाइज इट इज़ डिसेंट वन। इसकी क्वालिटी भी, जो इनके हुक्स होते हैं बेसिकली ये जहाँ पे जो ये होल्डर होता है, इसकी भी क्वालिटी इट इज़ डिसेंट वन। और बात रही इसकी क्वालिटी भी, इट इज़ अ फेयर वन। सो ये दोनों वॉचेज़ हो गई, आप बताना कि आपको दोनों में से कौन सी वॉच ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें हल्का सा ब्राउन टेक्सचर आता है अंदर और ये पूरा अंदर से ब्लैक है। सो दीज आर द वॉचेस। अब रह गई है तीसरी वॉच, उसको भी जल्दी से खोल देते हैं। इसमें डिफरेंस पता है क्या है, इस वॉच में डिफरेंस ये है कि मैंने स्पेशली ये वॉच थोड़ी सी अलग इसलिए मंगाई बिकॉज ब्लैक कलर तो है बट यहाँ पे आपको, यस आपने सही देखा, चेन मिलती है। मैंने ये दोनों मंगाए थे लेदर स्ट्रैप वाले, सिंपल एंड क्लासी, और ये जो मैंने मंगाया था ये मैंने मंगाई बिकॉज मुझे एक चेन वाली भी चाहिए थी। सो एक बात बोलूँ, इसमें वेट ज़्यादा है, ये थोड़ी सी हैवी है और जो इसकी डायल की थिकनेस है ना, अगर आपको दिखाऊं तो वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। आप इससे भी कंपेयर कर लोगे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा है, बट क्वालिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपको एक अगेन ब्रांडिंग मिलती है, इट इज़ अ नाइस वन ब्रांडिंग। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये लगी कि मीन्स यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा फ्लैशी ज़्यादा हो रहा है इस साइड पे एज़ कम्पेयर टू दिस। ये फ्लैशी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा फ्लैशी लग रहा है। बट अगेन ये थोड़ी मुझे सोबर लग रही है, काफ़ी प्रीमियम एंड रिच लुक दे रही है। ये भी अच्छी लग रही है मुझे, ऐसी बात नहीं है। बट इसको सबसे पहले प्रॉपरली इसको ज़रा मैं निकाल दूँ एक बार, फिर आपको दिखाता हूँ हाउ इट इज़। सो दिस इज़ द वॉच ब्रदर एंड यहाँ पे इसकी ये फिल्म और निकाल दे, मैं बार बार भूल जाता हूँ ये निकालनी। सो दिस इज़ इट,
ये है इसके लुक, आप बताना कि आपको ये वॉच कैसी लगी। इसका डायल थोड़ा सा थिक है, यहाँ पे ब्रांडिंग है, एंड मैं आपको एक बार इसको पहन के और दिखाता हूँ कि ये पहन के कैसी लगती है। अब मैंने एक भी वॉच आपको पहन के नहीं दिखाई है, बिकॉज मैं एक बार जस्ट आपको इसकी वॉच की एक बार लुक दिखा रहा हूँ कि ये इसकी लुक है वॉच की। शाइनिंग काफ़ी अच्छी है एंड ये वॉच रियली में अच्छी लग रही है। पीछे आपको इसमें अगेन एक लेबल। अब मैं आपको एक बार वॉच जस्ट दिखाता हूँ पहन के कि पहनने में ये वॉच है कैसी। एक्चुअली ये वॉच थोड़ी सी मुझे ढीली है एंड मुझे ये कटवा के थोड़ी सी छोटी करवानी पड़ेगी, बट फॉर नाउ यू कैन वॉच दिस, ये अच्छी लग रही है वॉच। बट यहाँ पे अगर ये चीज़ ना होती ना, मींस ये जो सिंबल्स हैं, जो ये जो न्यूमेरिक्स हैं, ये ना होते ना यहाँ पे, या फिर ये थोड़े ट्रांसपेरेंट होते या बिल्कुल ना होते, तो थोड़ी सी और एलिगेंट लगती। बट स्टिल इट इज़ गुड फॉर द प्राइस। और मैं आपको एक बार बाकी वॉचेस भी पहन के दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ द वन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वॉच, टू बी रियली ऑनेस्ट। वेरी सिंपल, वेरी सोबर एंड लुक्स प्रीमियम एंड एज वेल एज एलिगेंट। और ये रही वॉच जो थोड़ी सी क्लासी भी लगती है एंड इसमें एक अपनी लुक है, यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ दूर से कि ये पीटर इंग्लैंड की वॉच है। और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट मुझे पर्सनली ये वॉच ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा सोबर लगी, नथिंग फ्लैशी एंड इट इज़ लुकिंग क्वाइट प्रीमियम। सो ये दोनों वॉचेज़ हैं, आप एक बार खुद से देख लो, आप आइडिया लगा लो कि आपको कौन सी वॉच अच्छी लगी है। एंड ये इसकी लुक है, थोड़ा सा आप लुक देख लो और अपने आप से आइडिया लगा लो। इस वीडियो का सबसे बड़ा सोल पर्पस है भाई आपको वॉचेस दिखाना, बिकॉज फ्लिपकार्ट पे आप देख तो सकते हो, नीचे इमेजेस भी होती हैं वो भी देख सकते हैं, बट एक होता है रियल लाइफ, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको एक बार देख पाओ, एनालाइज कर पाओ और कौन सी आपने लेनी है तीनों में से। तीनों एक ही प्राइस पॉइंट पे आती है। चेन वाली का मन है तो वो ये वाली है, स्ट्रैप में चाहिए लेदर स्ट्रैप में तो ये दोनों ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे इनमें से लगी भाई ये वाली, जो प्रीमियम एंड रिच लुक दे रही है, बाकी आप देख सकते हो।